दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद टीम के हेड कोच रवि शास्त्री खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भड़क चुके हैं और उन्होंने रातों रात टीम में बदलाव कर दिए। चलिए बताते हैं आपको रवि शास्त्री ने किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि चौथे टेस्ट मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ में किस खिलाड़ी को खिलाना चाहिए, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला लीड्स के मैदान पर गया था। भारतीय टीम का प्रदर्शन तो इस मुकाबले में बेहद ही शर्मनाक रहा, क्योंकि टीम की बल्लेबाजी बेहद ही शर्मनाक रही। पहली पारी में तो भारतीय टीम सिर्फ 78 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और दूसरी पारी में भी अगर रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और कोहली को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज 10 रन से ज्यादा नहीं बना सका। यही कारण रहा कि भारतीय टीम को 76 रन और एक पारी से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद भारतीय टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने कुछ खिलाड़ियों में बदलाव करके प्लेइंग 11 की घोषणा की है। शास्त्री चाहते हैं कि ओपनिंग की जिम्मेदारी केएल राहुल और रोहित शर्मा फिर एक बार निभाएं। भले ही तीसरे टेस्ट में टीम हार गई हो, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों के पास काबिलियत है और वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। रवि शास्त्री ने चेतेश्वर पुजारा को लेकर भी यही कहा है कि टीम को जरूरत है पुजारा की, क्योंकि पुजारा अच्छी फॉर्म में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने 91 रनों की जुझारू पारी खेलकर ये अंदेशा दे दिया है। चार नंबर पर कप्तान विराट कोहली जिम्मेदारी को संभालेंगे, क्योंकि विराट कोहली भी अब अच्छी फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने दूसरी पारी में 55 रनों की पारी खेली है, लेकिन दोस्तों, रवि शास्त्री ने टीम में सबसे बड़ा बदलाव 5 नंबर पर किया है। अजिंक्य रहाणे की खराब फॉर्म को देखते हुए अब रवि शास्त्री ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि अजिंक्य रहाणे की जगह सूर्य कुमार यादव टीम में खेलते हुए नजर आने चाहिए। रवि शास्त्री ने कहा, बतौर उपकप्तान आपके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके अजिंक्य रहाणे का प्रदर्शन बेहद ही शर्मनाक रहा। दोनों ही पारियों में उन्होंने सभी को निराश किया, इसीलिए चौथे टेस्ट मुकाबले को जीतने के लिए टीम में बड़े बदलाव की जरूरत है और मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव इस स्थान के लिए परफेक्ट हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि सूर्य कुमार यादव को जब भी भारतीय टीम के लिए मौका मिलता है, उन्होंने हमेशा मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरा उतर कर दिखाया है। फिर चाहे वो श्रीलंका दौरा हो या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट हो, सूर्य कुमार यादव हर जगह फिट रहते हैं। इसके साथ ही ऋषभ पंत के साथ रवि शास्त्री फिर एक बार जाना चाहेंगे, क्योंकि पंत कभी भी मुकाबले को बदलने की ताकत रखते हैं। जबकि सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा की जगह रविचंद्रन अश्विन को टीम में मौका दिया जाएगा। जडेजा तो चोट के चलते अब मुश्किल ही खेल पाएंगे, जिसकी वजह से शास्त्री चाहते हैं कि अश्विन को मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही आठवें नंबर पर ईशांत शर्मा की जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में मौका दिया जाएगा। शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी दमखम दिखाने का मादा रखते हैं। इसके साथ नौवें नंबर पर मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी 11 खिलाड़ी जिन्हें रवि शास्त्री ने चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए अपनी टीम में रखना चाहते हैं। वैसे आप सभी को क्या लगता है कि रवि शास्त्री के द्वारा चुनी हुई प्लेइंग 11 क्या इंग्लैंड को चौथे टेस्ट मुकाबले में हरा पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।